हाय गाइस, दिस इज जिया। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब एंड फूड। फ्रेंड्स, आज की जॉब्स बहुत ही अच्छी जॉब्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब्स और हाई सैलरी वाली जॉब्स जॉब्स आने वाली है सिक्योरिटीज फील्ड की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके जल्द ही पहुंचे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूले। तो गाइस, आज की जो जॉब होने वाली है वो बहुत ही कमाल की और अच्छी जॉब्स होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तभी आप कॉल करें सिर्फ और सिर्फ इस जॉब के लिए। दूसरी जॉब के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जैसे हेल्पर वगैरह हुआ। तो गाइस, ये जॉब्स होने वाली है, ये काम होने वाला है सिक्योरिटीज फील्ड ऑफिसर का, एसएफओ की पोस्ट है ये। अब जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो है कभी भी जो है एक पोस्ट, दो पोस्ट या तीन आदमी की रिक्वायरमेंट या चार आदमी का रिक्वायरमेंट है, वो सब जो है वीडियोस ना तो डालते हैं ना अपलोड करते हैं। जब भी हम लोगों के पास बल्क क्वांटिटी में आता है, 10 कैंडिडेट्स की जरूरत है, 20 कैंडिडेट्स की जरूरत है, तभी हम लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में जब रहता है, एक दो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं पे एक दो पोस्ट की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो हम अपने से जो है करते हैं, छोटी छोटी पोस्ट जो हम लोग वीडियो पे अपलोड नहीं करते। तो गाइस, ऐसा ही इस वीडियो में और इस जॉब में आपको मिलेगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक बने रहें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही कॉल करें। ये मैं काफ़ी टाइम नहीं, मान के चले कि हर एक वीडियो में ये बात मैं आपको बोलता हूँ, फिर भी जो है कैंडिडेट्स वीडियो देखेंगे और नंबर देखेंगे। जैसे ही उन्होंने सैलरी का सुना और कुछ ऐसा फैसिलिटी का सुना, एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसे ही सुनते हैं, फटाक से नंबर टाइप करने लगते हैं। अब वो टाइमिंग नहीं देखते हैं, वहाँ पे मेन मुख्य बात आ जाती है कि टाइमिंग की, टाइमिंग नहीं देखते। रात के 12 बजे भी अगर वो हम लोगों का वीडियो देखेंगे तो फटाक से जो है आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़ के उसी फोन से फोन करने लग जाएंगे। तो आपके हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे एक ये विनम्र मेरी नियुक्ति है कि प्लीज 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 आप जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद ही हम लोगों को कॉल करें और उसी समय, उचित समय पर, सही समय पर ही कॉल करें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिले, ताकि आपको एक जेन्युइन कंपनी की तरफ से, आंखों से जो आपका नजरिया ना, उसके एक जेन्युइन कंपनी समझ के देखें। नहीं तो आपका फोन रिसीव नहीं होता है, नहीं तो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है जब आप नाइट के टाइम कॉल करते हैं। उससे क्या रहता है कि आपका जो नजरिया वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर कैंडिडेट कोई देखेगा और देखते ही फर्स्ट टाइम अगर वो कॉल करेगा तो नाइट में जो हम लोग फोन रिसीव नहीं करते, उससे क्या रहता है कि उसके माइंड्स में जो है अलग एक थिंकिंग हो जाती है। तो आपकी थिंकिंग खराब नहीं होना हमारे प्रति, उसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कॉल करें। तो गाइस, जॉब होने वाली है आज की एसएफओ सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर की। जैसा आपको पता है, जो जो कैंडिडेट सिक्योरिटी का जॉब्स करता है उनको सबको पता है कि उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, उनका एक्चुअल में काम क्या रहता है, कितनी उनको हेडक रहती है, कितना उनको जो है टाइमिंग रहता है, वो सब उनको पता है। फिर भी मैं आज आपको इस वीडियो में ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन आपके सामने एक पिक्चर की तरह बताऊंगा। अगर आपको फील्ड वर्क में नॉलेज है, फील्ड वर्क आप चाहे कौन से भी कंपनी में क्यों ना किया हो, जरूरी नहीं है कि आपने जो है सिक्योरिटी में ही काम किया हो, अगर आपको फील्ड का नॉलेज है, फील्ड वर्क है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिक्योरिटी का नॉलेज है या फिर आपने कहीं पे और ऑलरेडी कहीं पे फील्ड ऑफिसर या मार्केटिंग का काम किया है, तो वो कैंडिडेट्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनको जो है फील्ड में घूमना रहता है, लड़के लोगों को मैनेज करना रहता है। तो एक्चुअल में काम उनका क्या रहता है कि उनके अंडर में 3, 4, 5, 10 जो भी कंपनी का एक रहता है, वो एक उनको प्लेस दिया जाता है, एक एरिया दिया जाता है कि एक्स वाई जेड एरिया में तुम कवर करोगे, तुम देखोगे वहां का रिक्वायरमेंट, वहाँ से कंप्लेन आने वाली, वहाँ से क्या क्या नीडेड है, वहाँ कितने लड़के लोग हैं, कौन कौन से किसको पोस्ट देना है,
किसको जो है नाइट ड्यूटी देना है, किसको डे ड्यूटी देना है, उनका ड्यूटी क्या है, वो कैंडिडेट टाइम पे जा नहीं नहीं जा रहा है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, वो सारा का सारा काम एक SFO का रहता है, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का रहता है। उसके अंडर में सुपरवाइजर काम करता है, उसके अंडर में हेड गार्ड काम करता है, उसके अंदर में गार्ड काम करता है, उसके अंदर में पेट्रोलिंग कैंडिडेट्स काम करता है। कहने का मतलब है कि वो कैंडिडेट्स कंपनी वाले से भी टाइम पे होके रहता है, जो मेन इंचार्ज है साइट का उससे भी जो कॉन्टेक्ट में रहता है, प्लस लड़के लोगों से भी कॉन्टेक्ट में रहता है, प्लस अपने ऑफिस से भी कॉन्टेक्ट में रहता है। तो इसमें क्या रहता है, उनको हेडक थोड़ी ज्यादा रहती है, उनको थोड़ा काम का भार जो रहता है वो ज्यादा हो जाता है। हर एक लड़के की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है उनके पास, कोई ड्यूटी टाइम पे नहीं जा रहा था, उस किसी को जो है एडवांस पैसा नहीं मिल रहा था, किसी को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा था, कोई पोस्ट छोड़ के चला जाता है, तो कोई पोस्ट टाइम पे नहीं आता है, तो कोई नाइट ड्यूटी डबल चाहता है, तो कोई डे ड्यूटी डबल चाहता है। तो उन सबको मैनेज करना, प्लस कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से उनको अच्छे से समझाना, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उनको मेंटेन करना, प्लस क्लाइंट की तरफ से कुछ भी जो है बेड इंफॉर्मेशन या फिर क्लाइंट की तरफ से कुछ भी जो कंप्लेन ऑफिस में नहीं आना कि जो है ये यूनिट सर इस यूनिट में जो है आपका कैंडिडेट्स बराबर ड्यूटी नहीं आ रहा है, या फिर नाइट में सो जाता है, या दिन में सो जाता है, तो वो सारी कंप्लेंट्स जो अपने आप में जब उसको हैंडल करना, प्लस वो सारा लड़का बराबर जा रहा है, उसकी ड्यूटी कितनी है, उसको एडवांस कितना चाहिए, वो सारा सारा इंफॉर्मेशन ऑफिस में देना। तो मैं कुल मिला के मान के चलूँ कि उनकी जो है काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस के थ्रू भी रहता है, लड़के थ्रू भी रहता है, प्लस क्लाइंट के पास थ्रू भी रहता है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए इस जॉब्स की वैल्यू और इस जॉब की सैलरी जो रहता है अबाउट 20 रहता है, 20,000 से ऊपर इस जॉब में आपको सैलरी देखने को मिलती है। प्लस इसके अलावा बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। 22,000 सैलरी रहती है इसमें, प्लस रूम फ्री कंपनी के द्वारा दिया जाता है, प्लस ड्यूटी टाइम 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, लेकिन कहने का मतलब है कि टाइम में उसको आराम से रहना। इसमें क्या रहता है कि आर्मी वाली ड्यूटी रहती है, फौजी जो रहता है ना उनकी जैसी ड्यूटी रहती है, मतलब आंखों झपकते ही नींद रहता है, पटाख से जो है आँख खुलती है कि कहीं पर कुछ हमला ना हो जाए, गोली चलने की आवाज, मतलब आर्मी की जैसी ड्यूटी रहती है ना सचेत, वही ड्यूटी रहती है उनकी भी। फील्ड मेंटेन करके आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं ऑफिस में, उसके बाद फिर किसी का कॉल आ जाता है कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, लड़का जो आया नहीं अभी तक, या फिर नाइट में सोते हैं किसी का कॉल आ जाता है कि सर ड्यूटी में जो है ये हो गया। तो उनकी ड्यूटी एक बात मान के चलो कि जो 1 घंटा भी हो सकती है, 10 घंटा भी हो सकती है, 24 आवर्स भी हो सकती है। कुल मिला के सिर्फ उनको फील्ड मैनेज करना रहता है, लड़के लोगों को मैनेज करना रहता है, और ऑफिस को अच्छे से उनका फीडबैक देना रहता है, उतना ही काम रहता है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है। सैलरी जैसे मैंने बताया कि 22 प्लस पेट्रोल फाइनेंस कंपनी के द्वारा दे जाता है, आपका फील्ड में जितना भी पेट्रोल खर्च होता है वो सारा का सारा कंपनी देती है, कंपनी पेबल रखती है। रूम कंपनी के द्वारा दिया जाता है, पेट्रोल फाइनेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, आपका सिर्फ और सिर्फ खाने का खर्चा आपका रहता है। तो एक मान के चलो कि आप महीने का 5,000 भी खाएंगे ना, तो एक 15,000 आपका सेव होता है। प्लस इसके अलावा अगर आप फील्ड ऑफिसर के साथ साथ में मार्केटिंग का भी काम कर लेते हैं कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, एक दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पकड़ के कंपनी को दे दिया, या फिर एक दो कॉन्ट्रैक्ट मैं कंपनी को दे रहा हूँ, तो उसका कमीशन भी आपको कंपनी देती है पर हेड। एक लड़के का जो कंपनी 1,000 रुपीज आपको पे करती है, 1,000 रुपये। तो एक नई नई मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो है 25-30 तक चली जाती है इस फील्ड में, और इस फील्ड में ग्रोथ होती है। ग्रोथ एक ऐसी चीज है कि आपको फ्यूचर ब्राइट करती है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य जो उज्जवल करती है ग्रोथ। जहां आप किसी एक ठेकेदार या फिर एक एजेंसी के थ्रू जाते हैं, वहां पे क्या रहता है कि एक फिक्स सैलरी रहती है, आपको अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, रूम भी फ्री दिया जाता है, खाना भी फ्री दिया जाता है, लेकिन
वहां पे आपको एक फिक्स कैटेगरी रहता है, एक आपका फिक्स सैलरी रहती है कि उतनी ही रहती है तो उतनी ही रहेगी, वो ना तो बढ़ती है और ना घटती है, क्योंकि कंपनी के द्वारा सैलरी बढ़ाती जाती है, जो बीच में जो एजेंसी वाले रहते हैं वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते, वो अपने फायदे के लिए आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप साल 2 साल काम करेंगे आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जहां आप पहले 3 एरिया हैंडल करते थे वहां आप आज धीरे 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 आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 एरिया हैंडल करेंगे, उससे आपकी कंपनी भी खुश होगी और सैलरी बढ़ाती है। जहां आपका पहले 20,000 था, फिर बाद में हो सके 2-3 महीने के बाद आपका जो 22,000 है, या फिर 22,000 था तो हो सकता है आपका 25,000 कर दे। कहने का मतलब है कि जैसी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसी ही इसमें अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। अब एज लिमिट की बात करें तो मैं मिनिमम तो 18 बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, लेकिन इसमें 18 वाले तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए। तो एज लिमिट मान के चलिए आपकी 20 से ऊपर, 22 साल, 20 साल से ऊपर, और लास्ट आपकी सैलरी चाहे आपकी 40 इयर्स के भी हो, 40 साल के भी हैं तो भी चलता है इसमें। इसमें बाइक कंपलसरी है, आपके पास बाइक होनी चाहिए। कहीं पे पोस्टिंग है, लड़के लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह देना है, या फिर सडनली कोई लड़का बीमार हो गया ड्यूटी में छुट्टी देना है उसको, तो उसकी जगह दूसरा बंदा कैंडिडेट्स एक साइड से दूसरे साइड में जो है शिफ्ट करना, तो उनका काम जो है बाइक का ज्यादा रहता है, फील्ड का भी ज्यादा रहता है, तो उसमें बाइक कंपलसरी रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है। इसमें टाइमिंग जैसे मैंने बताया कि उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, सैलरी मैंने आपको बता दिया कि 22 से स्टार्ट है, प्लस एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, प्लस आपको जो है बेनिफिट बहुत सारा देखने को मिलता है इसमें। लोकेशन बेंगलोर, बेंगलोर में बनागटा रोड, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स है गाइस। ये जॉब्स, इस जॉब के साथ आगे वाले वीडियो में हम लोगों के द्वारा आपको एक ऐसी टीम रेडी करनी पड़ेगी जो ग्रोथ करती है। जैसे कि आप अपनी सिक्योरिटी का काम करते हैं हमारे कंपनी के द्वारा, आप आते हैं कैंडिडेट्स, आप आते हैं ज्वाइन होते, सर हम लोगों को सिक्योरिटी का काम करना है, चाहे आपको नॉलेज कुछ भी ना हो, आपको सिक्योरिटी जो है 6 महीना साल पर आप काम करते हैं, उसके बाद आप हमें फोन करके बोल सकते हैं कि सर मैं 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। उस कैंडिडेट्स को हम लोग सुपरवाइजर की पोस्ट देते हैं। सुपरवाइजर में मान लो वो कैंडिडेट्स 6 महीना साल पर अगर बिता देता है, 6 महीना साल पर अगर वो पोस्ट में काम कर लेता है, तो वो कैंडिडेट्स हम लोगों को फोन करके बोल सकता है कि सर मैं 6 महीने से या 7 महीने से इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, जगह अलग अलग जगह में मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। कंपनी उसके लिए फिर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट हायर करती है, उसको फील्ड ऑफिसर की पोस्ट देती है। अब मैं एक बात कुल मिला के बोलता हूँ कि हम लोगों के पास अगर ज्वाइन होंगे, हम लोगों के थ्रू आप कहीं पे जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा अपना भविष्य, अपना फ्यूचर एकदम ब्राइट मिलेगा, एकदम उज्जवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो है आप मेरे यहाँ आते हैं 6 महीना काम करते हैं, उसके बाद जो है साल भर जो है आपको उसी पोस्ट या उसी कंपनी में या फिर उसी जगह में आपको जो है एक ही सैलरी में काम करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि आप हम लोगों के साथ जुड़िए, आप हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों की उंगली पकड़ के हम लोग लेके जाएंगे ऊपर तक, लेके जाएंगे ऊपर तक, आपकी ग्रोथ करवाएंगे। ऐसा कि ऐसा अगर आप प्रमोटर का काम करना चाहते हैं, प्रमोटर में आपको एक्सपीरियंस है स्टोर पे इनसाइड सेल्स का, तो साल भर काम करने के बाद, 6 महीना काम करने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर 6 महीने से मैं इस फील्ड में हूँ। उसके बाद आपको मर्चेंटाइजर की पोस्ट दी जाती है, मर्चेंटाइजर का काम दिया जाता है। मर्चेंटाइजर फील्ड वर्क रहता है एक तरह का, वो भी सेल्स में ही आता है, जिसकी सैलरी प्रमोटर से ज्यादा रहती है। जब प्रमोटर की सैलरी 13-14 हज़ार रहती है, वहीं पे मर्चेंटाइजर की सैलरी 18-19-20 चले जाती है। अगर आप मर्चेंटाइजर पोस्ट पे 6 महीना साल भर बिता देते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कि सर ये मेरा रेज्यूम है, मैंने XYZ कंपनी में आप ही के थ्रू, आप ही के द्वारा भेजा है कंपनी में 6 महीने 7 महीने से अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन में काम कर रहा हूँ मर्चेंटाइजर की पोस्ट पे, तो आपको सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग का जो एक पोस्ट दिया जाता है, जिसकी सैलरी जो है
25 से स्टार्ट होते थे, 22, 25, 30 और मार्केटिंग का तो आपको पता ही है कि 50 तक जो है सैलरी रहती। तो कुल मिला के एक बात मान के चले कि अगर आप लोग हम लोगों की कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो आपको अपना फ्यूचर मिलेगा, ऐसा फ्यूचर जो आप लॉन्ग टाइम से हम लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में रह सकते हैं, एक फैमिली के साथ रह सकते हैं, या फिर अगर आप लेबर भी हैं, चलिए मैं लेबर का काम है सर जो है हेल्पर के काम में आपके पास से इतने टाइम से 6 महीने से जो है अलग अलग कंपनीज में कर रहा हूँ, जैसा आपने बोला वैसे वैसे अलग अलग कंपनी में, तो गाइस आपको उसका हेड बना दिया जाता है 6-7 महीने के बाद, या फिर आपको उससे ज़्यादा अच्छा पोस्ट दिया जाता है। तो एक कहने का मतलब है कि आइए हमारी कंपनी के साथ टाइप अप होइए, हमारी कंपनी के साथ जुड़िए, आपको अपना फ्यूचर अगर ब्राइट करना है और आपका अपना फ्यूचर उज्जवल करना है, आपका भविष्य उज्जवल करना है, तो इसमें हम लोग अभी तक जितना भी बोला कि जो है हम लोगों ने जो है चार्ज चालू कर दिया, हम लोग 1500 रुपीज लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लगाकर अभी तक हम लोगों के पास कैंडिडेट्स आते हैं, ज्वाइन होते हैं, आज तक कोई ये नहीं बोलेगा कि हमसे पैसा लिया है। हम बोलते इसलिए है कि ताकि जो फ्रॉड्स कॉल रहते हैं, जो टाइम पास करने के लिए कॉल करते हैं, वो कॉल थोड़े बंद हो जाए, वो फोन आने बंद हो जाए। उससे क्या रहता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जिसको जरूरत रहती है काम की, जिसको चाहिए चाहिए काम, वही कैंडिडेट सिर्फ आएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और